ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाल्मीकि नगर बैराज से तीसरी बार पानी छोड़ने के बाद एक बार फिर से सारण जिले में गंडक नदी उफान पर है। निचले इलाके में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पानापुर और तरैया प्रखंड में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश धौंस, कमला, भुतही, कोसी सहित सभी छोटी बड़ी नदियां पर उफान पर हैं। मधुबनी में भी बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। जिले के बेनीपट्टी, मधेपुर, विस्पी सहित कई प्रखंड के दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांव में तो बाढ़ का कहर बनकर टूटी है और लोग घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। पीड़ितों की माने तो गांव में जल जमाव और घरों में पानी घुस जाने से घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। पानी आ जाने से घर में रखा अनाज, कपड़े समेत सारा सामान बर्बाद हो गया है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन ने एक पॉलीथीन तक की व्यवस्था नहीं कराई। दाने दाने को मोहताज लोग हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी, जनप्रतिनिधि कोई देखने भी नहीं आया। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने बर्बादी मचा रखी है, लेकिन लोगों की हिम्मत और हौसला है जो हर आफत पर भारी दिख रहा है। आप रिपोर्ट देखिए। पतीले वाली नाव आपने पहले नहीं देखी है तो इन तस्वीरों में आज देख लीजिए। बाढ़ जब आती है तो अपने साथ बर्बादी लेकर आती है, लेकिन जिंदगी की रफ्तार फिर भी चलती रहती है। पतीले की नाव बनाकर निकले इन लोगों को देखिए, जीने का जुनून कोई इनसे सीखे। इन्हें इस बात की परवाह नहीं कि प्रशासन ने नाव नहीं भेजी, इनके पास हिम्मत है, जीने का हौसला है। मुजफ्फरपुर जिले में बूढ़ी गंडक बर्बादी मचा रही है। बड़ा भारती पंचायत के कई गांव सैलाब के सितम से कराह रहे हैं। मुसीबत में कोई मददगार नहीं तो मधुबन कांटी के रामनाथ सहनी ने पतीले की नाव बना डाली। चार पतीले और एक चारपाई को जोड़ा और बन गई नाव। चार चार लोग सवार हैं, लेकिन क्या मजाल की नाव डगमगा जाए। जब तक ये नाव है, आवाजाही भी बनी रहेगी, राहत सामग्री भी पहुंचती रहेगी। मुजफ्फरपुर जिले की ही दूसरी तस्वीर देखिए। बूढ़ी गंडक का पानी बनगारा के पीएसएस में घुस चुका है। यहाँ से 15 पंचायतों में बिजली की सप्लाई होती है। लाइनमैन का कहना है कि पानी कंट्रोल रूम तक पहुंचा तो कभी भी बिजली सप्लाई ठप हो सकती है। सिर्फ कंट्रोल रूम में नहीं जाना चाहिए, अगर कंट्रोल रूम में मेरा पानी घुस जाने के बाद अब पैनल में पानी घुसने के बाद हम लोग लाइन बंद कर देंगे। अगर कंट्रोल रूम में नहीं घुसता है तो सुचारू रूप से लाइन मेरा चालू रहेगा। कितना दिनों से पानी पड़ रहा है? बस आज सिर्फ घुसा है सुबह में। कौन सी जगह है? बनघारा। कितने इलाकों में इसकी? लगभग यहाँ मैक्सिमम 14-15 पंचायत है। बगहा की तस्वीरों में जुगाड़ का पुल देखिए। दो दिन पहले मसान नदी की बाढ़ कई गांवों की सड़कें बहा ले गई। टूटी सड़क पर बिजली का खंभा डालकर गांव के लोगों ने जुगाड़ का पुल बना लिया है। इस पुल से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन खतरा मोल लेकर भी लोग जुगाड़ के पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि साइकिल और बाइक भी ले जा रहे हैं। पर जान भी जा सकेला। सुख के जाता निशान, सुख के आता निशान, बैठ बैठ के जाता निशान। नरकटियागंज में करोड़ों की लागत से बना पुल पहली बाढ़ में ही पस्त हो गया। बलोर नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि अप्रोच रोड के साथ पुल का एक पिलर धंस गया। जो बलोर नदी है उसी में बना हुआ ये पुल। इतना घटिया काम किया है ठेकेदार ने, सारा पैसा बचा कर यहाँ से लेकर चल दिया। पूरा इन्हें क्षेत्र के यही को पुल बा मनवा परसी पंचायत के। ये पुल धस रहा बा ठेकेदार के लापरवाही की वजह से पुल एकदम गिर रहा बा। कोनो एकर एक ही कही जाओ सरकार के तरफ से ठेकेदार को। बिहार के कई जिलों में उफनती नदियां आफत बनकर टूटी हैं, लेकिन लोगों का हौसला हर आफत पर भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।